सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रही। लोग से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। आज का पंचांग 6 जून 2020 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 10:33 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 8:55 से 10:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:52 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 3:12 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 6 जून 2020 दिन शनिवार, जोखिम लेना आपको अच्छे परिणाम देगा। सहायता या अतिरिक्त आय आपका इंतजार कर रही है। रिश्तों में चतुर बने, पिकनिक क्लब या सोशल सर्कल आपको अपना रचनात्मक पक्ष दिखाने का मौका देंगे। अभी आपने जो कनेक्शन बनाया है वो भविष्य में भी आपको लाभ देगा। आज अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय का आनंद लेंगे। आपके पूर्व प्रतिस्पर्धी भी आपकी सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। दोस्त केवल आपको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके कौशल और क्षमता को भी निखारेंगे। इंसान चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, किंतु उसका परिश्रम उसे मजबूत बनाता है, इसलिए कड़ी मेहनत करें। धन आपकी मुट्ठी से आसानी से सरक जाएगा, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। आपके आसपास के लोग अनुकूल रूप से प्रभावित रहेंगे और आप उसके आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। आज के दिन आपके लिए सितारों की मदद से सफलता मिलने का है। आपको परिस्थितियों पर विजय का अनुभव होगा। कुछ मुश्किल तरीकों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब शक्तियाँ न सिर्फ उसकी मदद करती है बल्कि इंसान उसका आनंद भी उठाता है। ऐसा ही समय आज कुंभ राशि वालों के लिए है। आपका उषा चरम सीमा पर रहेगा। सावधानियाँ, चंद्रदेव का गोचर आपको कुछ मानसिक परिस्थितियाँ दे सकता है, इसलिए इस दौरान आपको योग ध्यान इत्यादि का सहारा लेना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। निवेश सोच समझकर करना ही ठीक रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आप इस समय अचानक आई घरेलू मुसीबतों से घबराए नहीं बल्कि डटकर इनका सामना करें। प्यार में अपनी प्रिय से भी खट्टी मीठी छेड़खानी आपको रोमांचित बनाए रखेगी। साथ ही इससे आपका रिश्ता भी मुकम्मल होगा। बड़े भाई बहन से काफी दिनों के बाद मुलाकात हो सकती है। आपके दोस्त आपके जीवन की वो संपत्ति है जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्त आपके कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। किसी खास के लिए भी समय निकालें और उसके साथ अकेले कहीं दूर जाएं। निसंदेह आपको कुछ गुदगुदाते हुए पल मिलेंगे। अपने पार्टनर को प्रभावित करने के लिए कुछ खास सोचें। करियर की बात करें तो यह समय घरेलू मुसीबतों को लेकर उदास होने का नहीं बल्कि अपने लक का सही इस्तेमाल करने का है। आज अपने दिमाग के सुने और चेले चपाटे आदि से दूर रहें। रिश्तों में आपके आकर्षण का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है
और आने वाले समय में नए संबंधों का भी योग है। आज कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में वापस आ सकता है। इस समय जीवन के उतार चढ़ाव में आपको परेशानी होगी, लेकिन बहुत से अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सेहत की बात करें तो आज आप बहुत कोमल और विनम्र हैं। आपके दिमाग की स्थिति आपके स्वास्थ्य में योगदान दे रही है। आप आराम पर ध्यान दें, यह आपके लिए हितकर होगा। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।